भागलपुर में चुनावी हलचल के बीच जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने घर में घुसकर पवन यादव नामक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पवन यादव अमरेंद्र सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी था, जो 5 महीने पहले ही जेल से छूटकर बाहर आया था। अमरेंद्र सिंह की हत्या 2022 में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि पवन यादव अपने फूफा के घर कुतुबगंज मोहल्ले में रहता था और जमीन का कारोबार करता था। शाम लगभग 4 बजे पवन अपने किसी परिजन को लेकर बाजार से घर आया तो घात लगाए बैठे अपराधियों ने घर में घुसकर पवन यादव को कनपटी में 2 गोली मार दी, जिससे कि पवन यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक का जीजा दिलीप कुमार ने कहा कि पिछले 18 मार्च को घर पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी और जब इस घटना को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन देने पहुंचे थे तो आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। यदि आवेदन स्वीकार हो जाता तो अपराधियों पर कार्रवाई हुई होती तो आज हमारा साला जीवित रहता। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि पवन यादव नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और परिजन मानस सिंह, रंजन यादव, सुनील यादव सहित कई लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जल्द जांच कर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि मानस सिंह अमरेंद्र सिंह का पुत्र है। हम दुकान में थे अनंत चिकित्सालय रोड भागलपुर में, वाइफ का फोन आया कि ऐसे जो पवन का मर्डर हो गया, तो हम दुकान से वहाँ गए, वहाँ प्रशासन लोग पहले से था तो हम चुपचाप अपना सब मिलकर उठा के पहले गाड़ी में उसका चैन आ रहा उसी दवा पहले कि उसका जान बचाया जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ लेके आए हैं। क्या लगता है आपको? लगता है वो जो है मर्डर किया है मानस सिंह है, रंजन यादव, सनीत यादव, सुनील यादव और सागर कुमार, चंदन यादव, चंदन उसका छोटा भाई का सौरभ, अंकित अंकित उसका भैया, अंकित उसका भैया है। क्या कोई दुश्मनी था क्या? पूरा दुश्मनी पहले इसके पहले का तारीख को फायरिंग हुआ, एक मिनट रुकना, का तारीख को फायरिंग हुआ है लिस्ट देख लेते हैं। उसके पहले जो है हमला भी हुआ था 18/3/2024 को, 18/3/2024 को घर से फायरिंग हुआ, सनील यादव, सागर यादव, एक मिनट, फायरिंग किया है सुनील यादव जो है और रंजन यादव जो है फायरिंग किया सर, उसका रिपोर्ट जो है लिखाया गया थाना में, आवेदन दिए थे, आवेदन भी दिए तो क्या एक्शन लिया गया थाना तरफ से? थाना तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उसको बोला कि हम जो बोले है तो बोलता तुम कानून बचाता है, वकील बनता है जादे, यही बोला था थाना से लापरवाही, हाँ थाना का लापरवाही के कारण ये दूसरा हादसा हो गया, उस पर अगर कार्रवाई होता तो ये हादसा नहीं होता। क्या नाम था लड़का का? पवन पवन कुमार। आपको बबरगंज थाना अंतर्गत कुतुबपुर मोहल्ला में एक पवन यादव नामक व्यक्ति की हत्या गोली मार कर दी गई है। कुछ सूचना पर आए हैं तो पता चला कि पवन यादव नामक व्यक्ति जो है बबरगंज थाना कांड संख्या 359/22 के अपराधियों के अधीन थे, जो पहले ये हत्या केस में जेल जा चुके थे और 6-7 माह पूर्व ये जमानत मुक्त हुए थे। किसी अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है, जाँच की जा रही है। तो इसमें कुछ लोगों का पता चला किस कारण हत्या हुई है? जाँच की जा रही है इस संबंध में। रमजान के अलविदा जुमा पर शहर के मस्जिदों में नमाज अदा कर देश में अमन शांति के लिए नमाजियों की भीड़ जुटी। इसको लेकर शहर के सभी मस्जिदों में पूरी तैयारी कर ली गई थी। खानका साबाजिया व साजंगी ईदगाह पर अलविदा की नमाज को लेकर लोगों की भीड़ देखी गई। लोहिया पुल स्थित पीर दमड़िया की मस्जिद में भी नमाजियों ने नमाज अदा किया। इस बार मुबारक माह रमजान की शुरुआत 11 मार्च से हुई थी, इसके बाद रोजेदार 12 मार्च से लगातार रोजे रखते आ रहे हैं। वहीं बाजारों में भी रौनक देखते ही बन रही है, देर शाम तक लोग कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। भागलपुर की पीरपैंती के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय धनपाल टोला में 73 छात्र छात्राओं ने उनके भविष्य के साथ प्रधानाध्यापक मंटू कुमार और शिक्षक जितेंद्र कुमार के द्वारा खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन देते हुए कहा कि स्कूल के प्रधानाध्यापक ने हम लोगों से रजिस्ट्रेशन के पैसे लेने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिस कारण हम लोग इस साल परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें प्रधानाध्यापक द्वारा 73 छात्र छात्राओं के पैसे का गबन कर लिया गया है, जिसके बाद छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलदेव ठाकुर ने कहा कि जो भी शिक्षक इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात कर सभी छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। वहीं बच्चों ने एक स्वर में प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग की तथा रजिस्ट्रेशन करने की मांग की, ताकि इन सबों का एक साल बर्बाद न हो। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था इसी के मामले से जी 12 तारीख 2023 क्या बोले सर आप लोगों को?
सर बोले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हम लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके अलावा हम लोग का कोई मांग नहीं था। हम लोग ने रिद्धि मैम को पैसा दिया था, बट रिद्धि मैम सर को पैसा दे दी थी। सर बालदेव ठाकुर जी से मैंने बात किया और सर बोले क्या कि इसके ऊपर हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शाम में आवेदन भेज देंगे और बाकी जितना जल्द हो रजिस्ट्रेशन बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। हम लोग चरणबद्ध तक आंदोलन करेंगे, यहाँ नहीं डीएम ऑफिस तक भी जाएंगे, शिक्षा जिला पदाधिकारी और पटना भी विसीबी बोर्ड तक ही भी हम लोग जाएंगे बच्चों को लेकर। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र से भूमि विवाद का मामला सामने आया। दरअसल शुक्रवार को मामले की गुहार लेकर एक पीड़ित व्यक्ति एसएसपी आनंद कुमार के दफ्तर पहुंचे। वहीं उन्होंने मामले को लेकर बताया कि उनकी निजी संपत्ति लगभग 4 डिसमिल जमीन 2015 में जनार्दन यादव से खरीदा था, जिसके बाद उन्होंने 2017 में उस जमीन पर यूनियन बैंक से लोन लिया था। वादी के मुताबिक उन्होंने लोन की राशि समयानुसार 2019 तक चुकाया, जिसके बाद उसके ठीक एक वर्ष के पश्चात कोरोना काल में आर्थिक तंगी कारण वे लोन चुकाने में असफल रहे। वहीं बैंक द्वारा लोन राशि नहीं चुकाए जाने के बाद मॉर्गेज कर लिया गया और एनपीए के बाद एससीएसटी थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष महेश लाल राम को रजिस्ट्री कर दिया गया। वादी ने बताया कि मामला हाईकोर्ट में है और आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष और बैंक कर्मी की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है, जबकि हाल में ही थानाध्यक्ष के सहयोगियों ने जेसीबी चलाकर जमीन पर दखल करने की कोशिश की है। वहीं वादी ने थाना प्रभारी पर दबंगई दिखाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष वर्दी की आड़ में कीमती जमीन को सस्ते कीमत पर हथियाना चाहते हैं, जिसको लेकर वे लोग सीनियर एसपी आनंद कुमार के समक्ष गुहार लगाने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, भैया ग्लोकल हॉस्पिटल के ठीक सामने में हम लोगों का बना बनाया घर था, जिसको कि ऑफिस के रूप में हम लोग यूज करते थे। हम लोग 2016 में चुनाव जीत के जिला परिषद से वाइफ आई थी और उसको घर बनाए थे कि वहाँ ऑफिस रहेगा, लोग आते जाते थे, हम लोग मिलते थे। तो बैंक के द्वारा मेरा करोड़ों के प्रॉपर्टी को 10 से 20 लाख रुपये में नीलाम कर दिया गया। हम उसके बिहाफ में कोर्ट गए हुए हैं, हाईकोर्ट गए हुए हैं। हाईकोर्ट में ऑर्डर हुआ कि जिस व्यक्ति ने परचेज किया है उसको आप पार्टी बनाइए। हाईकोर्ट वहाँ ऑर्डर हुआ तो उसके हिसाब से हम लोगों ने 2022 में ही पूनम कुमारी पति महेश लाल राम, जो कि SC/ST थाना में उस समय दरोगा के पद पे थे, अभी वो नौगछिया थाना SC/ST में दरोगा के पद पे हैं, जब परसों वो तोड़ के पूरा पस्त कर दिए हमारा बना बनाया घर को। जब हम लोग वहाँ पे बोलने के लिए गए कि भाई ये बना बनाया घर मेरा किस आदेश पे तोड़ दिए आप लोगों ने, ये कहाँ का आदेश आया जो इस घर को तोड़ दिए, तो बोला कि भागते हो कि नहीं। हम लोगों के साथ उल्टा उनके जो भी आदमी थे वहाँ पे, ठेकेदार बता रहा था कि मिथिलेश जी नाम करके कोई ठेकेदार हैं, वो लोग अपने 10 20 25 के संख्या में आदमी रखे हुए थे और हम लोग के साथ मारपीट करने लगे और बोले कि मेरा आदमी ऊपर में बैठा हुआ है, तुमको नहीं पता कि ये ज़मीन जो है SC/ST थाना प्रभारी जो दरोगा है वो लिया है। तो हम बोले कि हमको सब पता है, हम लोगों ने नोटिस भी किया है, लेकिन आज तक 2022 से लेके आज तक वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुए हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर
यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र की अगरपुर खास ग्राम में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान संतोष कुमार यादव के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ बात को लेकर मृतक कुछ दिनों से दुखी था। युवक ने तालाब में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया, इससे उसकी हालत बिगड़ गई। स्वजनों ने इसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। आपको बता दें, युवक तीन भाइयों में सबसे बड़ा था, मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। युवक की शादी कुछ महीने पहले हुई थी और उसकी पत्नी गर्भवती है, मायागंज अस्पताल में भर्ती भी है। पिता की बरसों पहले मौत हो चुकी है। मैं काम करने के लिए गया था, काम करके आए कर रहा था तो बोला कि भाई से 500 रुपया मांगा, जहाँ काम कर रहा था 500 रुपया मांगा कि परिवार मेरा हॉस्पिटल में भर्ती है, जाएंगे देखा करने के लिए। उसमें मायागंज डिलीवरी है तो मायागंज लेके जाएंगे, तो भाई मायागंज लेकर के पैसा लेकर के वो आया। फिर क्या करा ना करा तो हम लोग को बात डूब जब मालूम चला कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, इतने हम मायागंज आया तो हम लोग को मालूम चला, हम लोग तो घर खंजरपुर है, हम लोग को मालूम चला तो हम लोग मायागंज गए दौड़ लेकर के। 4 बजे हम लोग मायागंज पहुँचे, तो मायागंज पहुँचे तो देखे तो था सीरियस था पूरा, तो हम लोग उल्टी पुल्टी करवाए, सब कुछ करवाए, फिर तो अखने तो ठीक था, ठीक था। फिर उसके बाद साढ़े वहाँ से हम लोग 6 बजे निकले हैं, 6 बजे निकले तो 7 बजे फिर फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे बातचीत डेट करिए। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत कहलगांव के एसएसबी कॉलेज के छात्रावास में घोर अनियमितता पाई जा रही है, जिसको लेकर कॉलेज के छात्रावास में रह रहे छात्रों ने उग्र आंदोलन कर दिया है। इसके बाद जाकर वो सभी प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर आवेदन देने जिलाधिकारी डॉक्टर अमरेश्वर चौधरी के कार्यालय पहुँच गए। प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हमें ना तो बिजली की सुविधा ढंग से उपलब्ध है, ना ही पेयजल और ना ही साफ सुथरा राशन ही मिल पाता है, रहने की व्यवस्था काफी देनी है, हम लोगों के मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जाए। इसको लेकर दर्जनों छात्र जिलाधिकारी मिलने और ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। देखने वाली बात यह हुई कि विश्वविद्यालय और भागलपुर प्रशासन पर क्या संज्ञान लेती है या फिर छात्रावास में रह रहे छात्र इसी तरह मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेंगे। कहलगांव के हैं और वहां के अधीक्षक के सिलसिले में है, उसको बदलने के सिलसिले में आए, बदलना इसलिए है कि वो हॉस्टल का कोई समस्या का समाधान नहीं करते, किसी भी प्रकार का समस्या हो ना देखते हैं ना तो सुनते हैं। एसएसबी कॉलेज का जो हॉस्टल है वहीं से हम लोग आए हैं और हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लाइट का प्रॉब्लम होता है, पानी का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारा समस्या एडमिशन को लेकर प्रॉब्लम होता है और वहाँ जो भी काम होता है हॉस्टल का, जैसे कोई रिपेयरिंग वगैरह होता है एकदम गलत तरीके से होता है, या एडमिशन भी होता है जिसका मार्क्स बेसिस पे वो नहीं होता है, जैसे कोई भी हुआ तो कुछ नहीं समझते, जैसे वाईफाई लगने वाला था यहाँ वो नहीं लगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे हम लोग को वहाँ मिलता है 1000 रुपये पर मंथ मिलता है और राशन मिलता है, हम लोग को ऐसा सड़ा हुआ मिलता है कि वो आपको आप देखिएगा तो फेंक दीजिए, पिल्लू लगा हुआ राशन मिलता है और 6 महीना के बाद राशन मिलता है, हम लोग जब नोटिस देते हैं उसके बाद राशन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ आते भी हैं बोलने के लिए, बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, उसके बाद एक भी बात हम लोग को नहीं सुनते। आश्वासन कौन दिया था, क्या आश्वासन, यहाँ जो आए थे यहाँ हम लोग को वहाँ जो हम लोग अपने मर्जी से आए थे, हम लोग को वहाँ कोई नहीं बोला था, हम लोग अपने मर्जी, हम लोग छात्र जितना है अपने मीटिंग करके हम लोग अपने तरीके से यहाँ। अभी कहाँ आए, अधीक्षक का नाम है दिलीप कुमार चौधरी, उसी को हम लोग हटाने के लिए यहाँ प्रॉपर तरीका, वो बोलते हैं कि हम मतलब रिजाइन दे दिए हैं, ठीक है, और वो कार्यरत है वो। अभी किससे मिले हैं, अभी हम DW साहब से मिले, पांडे जी से। क्या बोले, मिले वो बोले कि हम ठीक है, हम आपकी समस्या को पूर्ण रूप से ठीक करेंगे, वो अभी बोले हैं ये बात। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर में बेहोशी की हालत में नाबालिग युवती को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सुमन पांडे के यहाँ नाबालिग युवती काम करती थी और डॉक्टर के यहाँ रहकर भरण पोषण करती थी, लेकिन पहले सुबह परिजनों को डॉक्टर के द्वारा यह जानकारी दी गई कि आपकी पुत्री बीमारी से ग्रसित है और डॉक्टर अपने घर चले गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे, जहां लहूलुहान स्थिति में नाबालिग को बरामद किया गया और उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि शरीर के कई अंग में जख्म के निशान, जिससे यह प्रतीत होता है कि इसकी पिटाई कर हत्या की गई है। पुलिस ने मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। सुमन पांडे डॉक्टर से, अच्छा, और उनका हस्बैंड रामनारायण पांडे ओकरे के काम करे लो, तेरे बेटी काम नहीं करे रे, मतलब वो अच्छा आदमी छले बढ़िया से, अच्छा पहले से, तो वहाँ देख लोग हमारा नहीं से
करे धरे लग पे बच्चा एक हमरा दे दा गरीब घर वाला ठीक तब दे लिए तो वहां से करे छले खाए छले सब चीज ठीक ठाक और बाद में जैसे हमरा शाम का 3 तारीख को 7 बजे शाम में हमरा फोन गेले कि आपका बच्ची कैसे डेट कर ले कैसे किए ले नहीं बतल का वो कुछ हमको नहीं बताया। अच्छा तब उसके बाद डेड बॉडी हमारे घर पे जाके छोड़ आया। अच्छा डेड बॉडी ले जाके छोड़ दिया जी। खाली बोल दिया आपका बेटी खत्म हो गया। हाँ मतलब यहाँ से जब निकला ना तब बताया आपका बच्ची खत्म हो गया से हम लेके आ रहे हैं।